नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेतृत्व को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मंत्र भी मिल गया है और बहुमत का रोड मैप भी तैयार हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस और बीजेपी में सीटों का जो भारी अंतर है, क्या उस अंतर को भरना इतना आसान होगा? आखिर ऐसा कौन सा मैजिक बीजेपी चलाएगी जो पिछले चुनाव में मिली बड़ी हार को इस चुनाव में करिश्माई जीत में तब्दील करेगा? चर्चा हम इसी पर करेंगे और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ वंदना राजपूत जी जुड़ेंगी और हमारे साथ बीजेपी की तरफ से राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, चर्चा आपसे हम करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की टॉप लीडरशिप को राजनीति के चाणक्य से चुनावी मंत्र मिल चुका है और बहुमत हासिल करने का रोड मैप भी तैयार हो गया है। शुक्रवार को पीएम मोदी रायपुर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर का दौरा पूरा कर लिया। बुधवार की रात से गुरुवार की सुबह तक रायपुर में मैराथन बैठकों का दौर चला। डॉक्टर रमन सिंह, ओम माथुर, अरुण साव और नितिन नवीन समेत टॉप लीडरशिप के साथ गृह मंत्री ने बैठक की। इन बैठकों में पार्टी के सभी नेताओं को एकजुट होकर चुनावी रण में उतरने का आदेश मिला है और बहुमत का मंत्र भी। गुरुवार की सुबह कोर ग्रुप की बैठक में अमित शाह ने साफ संदेश दिया कि बीजेपी को हर हाल में मिशन छत्तीसगढ़ को पूरा करना है। हर क्षेत्र की चुनाव प्रबंधन को लेकर के, चुनाव जीतने को लेकर के, हर विषय की तैयारी के नाते ये बैठक थी। शुद्ध रूप से पार्टी के संगठन की बैठक थी और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी के निमित्त आए थे और हम सब लोगों को एक रोड मैप बनाने के लिए कहे थे। रोड मैप बनना शुरू हुआ, चुनाव जीतने के दिशा निर्देश। मैंने कहा कि विस्तार से चर्चा हुई है, लंबी बैठकें हुई है, रात में भी बैठक हुई, सवेरे भी बैठक हुई। बैठक का सारा असर ये है कि हम सब लोग पूरी ताकत से लगेंगे और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बैठक लेने के लिए, प्रमुख लोगों की बैठक लेने के लिए यहां पर आए थे और उनके आने से एक नए उत्साह का संचार हम सभी लोगों में हुआ है। चुनाव के प्रबंधन को लेकर के, हम चुनाव कैसे लड़ें, किन मुद्दों को लेकर के जाएं और उसका एक पूरा रोडमैप चुनाव प्रबंधन को लेकर के कल बहुत विस्तार से चर्चा हुई, सबके सुझाव भी लिए गए। लेकिन कांग्रेस भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी। पार्टी की चुनावी रणनीति तैयार है। चुनावी साल में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के डीए, बीआरएस और पेंशन को लेकर बड़ा कदम उठाया है, जिसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर माना जा रहा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के इन दौरों और चुनावी तैयारियों से कांग्रेस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यह चीज मालूम है कि आने वाले चुनाव में उनके विधायकों की संख्या कम होने वाली है। माननीय अमित शाह जी जो रिपोर्ट लेके आए थे, वह रिपोर्ट वैसी ही थी जैसी कि आरएसएस ने जो सर्वे कराया था, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस सुधारना तो बहुत बड़ी बात है, 2018 की स्थिति को भी बरकरार नहीं रखी जा सकती। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अपने आने वाले चुनाव में संख्या बताने की स्थिति में नहीं है। अमित शाह को राजनीति का गेम चेंजर कहा जाता है, वो मैन ऑफ एक्शन माने जाते हैं। सियासी पंडितों का मानना है कि चुनौती जितनी भी बड़ी हो, जोखिम जितना ज्यादा हो, उनका फैसला लेने का आत्मविश्वास उतना बढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ में भी चुनौती बड़ी है और इसीलिए वो एक्शन में है। हालांकि सूबे में बीजेपी की राह आसान कतई नहीं। 2018 में बीजेपी 90 में से महज 15 सीटों पर सिमट गई थी। जाहिर है, एक तरफ बहुमत का रोड मैप है तो दूसरी तरफ बहुत बड़ा गैप है। युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 रायपुर।
तो बीजेपी ने बहुमत का रोड मैप तो तैयार कर लिया है, लेकिन सीटों का जो गैप है, बहुत बड़ा अंतर है, वो कैसे पूरा होगा, ये कहीं ना कहीं चुनौती है बीजेपी के सामने। इसी पर चर्चा करने के लिए राजीव जी हमारे साथ। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज एजेंट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। राजीव जी, पहला सवाल आपसे यही है कि अमित शाह जी आए, जीत का मंत्र दिया। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ऐसा कौन सा मंत्र अमित शाह ने दिया है जिससे आप कांग्रेस के तंत्र को हिलाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सुमित जी, बहुत अच्छा अवसर है ये। तो आज जो परिस्थिति है कि हर बूथ में हमारे कार्यकर्ता है और हर हर जिले में है, माने सभी जगह में हमारी अप्रोच है। इससे विकट परिस्थिति में जहां पर हम बूथ स्तर पर जा नहीं सकते थे, हमारे ऊपर सांघातिक हमले हो रहे थे, हमारे लीडरशिप का अपहरण हो रहा था, उन्हें पार्टी से बदला जा रहा था, उस परिस्थिति में भी सुमित जी हम जीत कर रहे हैं। तो आज जो परिस्थिति आप देखिएगा कि आप आपके अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाया गया कि 15 सीट थी और ये सीट थी, लेकिन ठीक उसके 6 महीने बाद सुमित जी जब लोकसभा का चुनाव आया तो उस लोकसभा के चुनाव में हम 11 में से 9 सीटों पर हमने जीत दर्ज की। और अभी अगर विश्लेषण आप करेंगे कि जो पिछले बार थी और लगातार जो चुनाव का वोटों का प्रतिशत का अंतर है वो 0.5%, 0.50% का अंतर रहा है, कभी 1% का रहा है, हम जीते हैं या वो जीते हैं। तो ये जो फासला है, सबसे बड़े वोटों का अंतर का फासला है, 1,18,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है लगातार, 1,18,00,000, 1,24,00,000, 1,00,00,000 और उनको मिले हैं उससे कुछ कम। तो देखिए, कांटे के मुकाबला रहा है, भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं रही है। 2018 में जो उन्होंने झूठे वादा किए कांग्रेस ने कि हम कर्ज माफी करेंगे, हालांकि राष्ट्रीयकृत बैंकों को कर्ज माफ नहीं हुआ, माताओं को कहा गया कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, तो वो एक इनका बुलेट स्ट्रोक था। और 3 साल जब हमें 3 जनादेश मिला सुमित जी, तो लाजमी था कि जनता चाहती थी कि कुछ परिवर्तन हो। और देखिए, हम नम्रता से हार को भी स्वीकार करते हैं, जीत को भी स्वीकार करते हैं। तो 3 साल 3 जनादेश के बाद जनता ने सोचा कि इनके इतने सारे वायदे हैं, हम देख लेते हैं, तो वो बात थी। लेकिन आज जो ये रोड मैप आया, जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है सुमित जी, उस रोड मैप और ब्लूप्रिंट का सार ये है कि हम जिसने बूथ जीता वो चुनाव जीता, हम बूथ तक मतदाताओं को लेकर आएंगे और वोटिंग करवाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और हमारी जीत तय मानी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो छलावे हैं उससे जनता त्रस्त हो चुकी है। तो राजीव जी, कुल मिलाकर आपका कहना है कि बूथ पर ही बीजेपी का फोकस रहेगा इस बार भी? जी, निश्चित रूप से। तो पिछले विधानसभा चुनाव में क्या कोई चूक हो गई थी बूथ पर फोकस करने के लिए, जो परिणाम आपके अनुकूल नहीं आ पाए? नहीं, बूथ पर पिछले चुनाव में भी फोकस काफी अच्छा था, लेकिन पिछले चुनाव में मतदाताओं ने तय कर लिया था, मतदाताओं ने परिवर्तन तय किया था, और ठीक 6 महीने बाद लोकसभा में मतदाताओं ने तय किया कि लेट इट गो, इस लोकसभा में प्रधानमंत्री जी को दोबारा मौका मिले, तो वो लोकसभा में हम जीत गए। तो देखिए, जहां मतदाता, लेकिन आज मतदाताओं का मूड सुमित जी कुछ बदला बदला सा है, वो मतदाता फिर कह रहे कि परिवर्तन करो लोक विधानसभा में, और वो परिवर्तन है कि कांग्रेस की छुट्टी तय हो चुकी है। और मैं केवल इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि अभी ये लोक लुभावने वादा करेंगे, किसानों से वादा करेंगे, गृहणियों से वादा करेंगे, डीए आज बढ़ा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी, इतने सब कुछ देने के बावजूद भी, जो इन्होंने जिस प्रकार से अपहरण किया है कानून व्यवस्था का, जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार की, जो इन्होंने गढ़ बना दिया छत्तीसगढ़ को, हर मुकाम पे भ्रष्टाचार, FIR लिखी नहीं जाती बिना पैसे के, तो चाहे वो क्राइम की बात करें या सड़कों के विकास के, ये जो CM हाउस है जो सिविल लाइन में स्थित है सुमित जी, वहां के आसपास सड़कें जर्जर है पिछले 2 वर्षों से, उसका आज तक ठीक नहीं हुआ। सड़कों को ठीक करने के लिए लोन लिया गया, ये जो राशन का घोटाला है, लोगों को लंबी लंबी लाइनें, हम तो लगातार केंद्रीय पुल से चावल भेज रहे, किसानों को रसायन खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ता है, मिलता नहीं है। तो कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र से, चाहे किसानी के क्षेत्र हो, महिलाओं के क्षेत्र हो, बच्चों की शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य व्यवस्था कोलैप्स हो चुकी है। तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने को तो चाहिए था कि पहले इस्तीफा दे देते, उन्होंने पंचायत मंत्री से इस्तीफा दे दिया। चलिए ठीक है, राजीव जी, यहां के विधायक हैं कांग्रेस के, राजीव जी मैं लौटूंगा। हमारे साथ वंदना जी भी जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज एजेंट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। वंदना जी, राजीव जी कह रहे हैं कि मतदाता ने मन बना लिया है, भ्रष्टाचार के आरोप वो लगा रहे हैं, कई घोटालों का जिक्र भी वो कर रहे हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी।
देखिए मुंगेरी लाल को सपना देखना है तो देखिए, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, सपना देखने की सभी को अधिकार है, लेकिन हकीकत क्या है ये जनता जानती है और बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि 15 साल डॉक्टर रमन सिंह ने जिस भ्रष्टाचारी में कमीशन खोरी में पूरा छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया है, राजीव जी आपकी बात मैं आपके बीच में मैंने आपको नहीं टोका, तो आपसे निवेदन है राजीव भाई की आप भी बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप समझ सकते हो कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर जो डेरा डाल रहे हैं, सुमित जी एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रही हूँ मैं कि और राज्य में भी विधानसभा चुनाव है, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ में इन लोग पिछले 4.5 साल से टारगेट बनाकर रखे विभिन्न माध्यम से, चाहे ईडी के माध्यम से हो, आईबी के माध्यम से हो, केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से हो, चाहे प्रभारी के माध्यम से हो, लगातार छत्तीसगढ़ को टारगेट बना के रखे, लेकिन इस बीच में उपचुनाव भी होता है, नगरी निकाय भी चुनाव होता है, उसमें भारी बहुमत कांग्रेस की पार्टी को मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलती हूँ आपके चैनल के माध्यम से ये भी चैलेंज देना चाहती हूँ मैं कि चाहे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले विधानसभा चुनाव तक यहाँ डेरा डाल ले, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल सकती हूँ, क्योंकि जनता सब जानती है। अरे 4.5 साल तक आप लोग कभी छत्तीसगढ़ में चेहरा नहीं दिखाते, अचानक से चुनाव के समय आप लोग को यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता की याद आती है, तो जनता तो समझती है ना भाई, क्योंकि जनता को मालूम है कि आपने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कितना सौतेला व्यवहार किया है। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने के बात कही थी, और 2500 रुपए में जब हमने धान खरीद रहे थे तब इसमें अड़ंगा डालने का काम कौन किया था? नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था कि अगर आप 2500 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदेंगे तो हम आपके सेंट्रल पूल में जो चावल खरीदते हैं उसको खरीदने के लिए। लेकिन वंदना जी, बीजेपी आरोप लगाती है कि पीएम आवास योजना का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है, जल जीवन मिशन में आप पीछे हो रहे हैं, बीजेपी आरोप लगाती है ये? देखिए उन लोग विपक्ष का है काम है आरोप लगाना, लेकिन इनके आरोप का जो प्रमाणित करते हैं यहाँ की जनता, आप देखेंगे अगर पीएम आवास के बारे में लोग बार बार बोल करके झूठ फैलाते हैं, तो वास्तविकता क्या है सुमित जी कि प्रधानमंत्री जी अगर वास्तविक में अगर जा चाहते कि जो गरीब और मध्यम वर्गीय है उनको रोटी कपड़ा और मकान मिले, तो विभिन्न तरह के ये षड्यंत्र नहीं रचते। अगर वो चाहते कि वाकई आवास मिले तो ये आप बताइए 8 लाख के करीबन जो आवंटन था। ठीक है वंदना जी, दोबारा लौटूंगा, एक वाजिब सवाल आपने उठाया। राजीव जी आप कह रहे हैं कि मतदाताओं ने मन बना लिया है, लेकिन वंदना जी ने भी एक सही जवाब मतलब सवाल उठाया है यहाँ पर, जिसका जवाब मैं चाहूंगा आपसे कि जब चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, चाहे उपचुनाव हो नगर निकाय चुनाव हो, लेकिन उसमें आपके अनुकूल रिजल्ट नहीं मिले आपको? नहीं सुमित जी, देखिए जो उपचुनाव होते हैं उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी क्या करती है, खुद चुनाव लड़ती है, उसके बाद उसके साथ उसके प्रबंध के लिए पुलिस रहती है, उसके प्रबंध के लिए उनकी प्रशासनिक इकाई रहती है, तो तीन लोग मिलकर एक जन के साथ जब चुनाव लड़ती है ना, तो उपचुनाव में मेरे पास सारे उपचुनाव के रिकॉर्ड है, हमने कौन से जनसभा के लिए मैदान मांगा उन्होंने नहीं दिया, उनके प्रचार सामग्री में खुली छूट दी गई, इन्होंने रुपए बांटा, शराब बांटा, महिलाओं को कंबल कपड़े बांटे, ये छोड़ दीजिए उपचुनाव कोई गणना नहीं है, चुनाव तो तब होता है अगर आदर्श आचार संहिता लगती। अभी देखिए ना, अभी आदर्श आचार संहिता लगेगी। अभी वंदना जी बड़ी सावगोई से कह रही थी पीएम आवास योजना, अरे भाई पीएम आवास योजना को लेकर आपके जो आज के जो उप मुख्यमंत्री बने हैं टीएस सिंहदेव जी, उन्होंने इस्तीफा दिया और 7 लाख परिवार से उन्होंने क्षमा याचना की कि केंद्र का पैसा आया, लैप्स हो गया, मैं बना नहीं पाया। और देखिए लोगों लाभार्थी सम्मेलन कर रहे हैं ना, एक अलाभार्थी सम्मेलन भी है जिन लोगों के मकान नहीं बने, पैसा जमा किया उन्होंने केंद्र का, लेकिन राज्य शासन का पैसा नहीं आया। और कितने खिसियानी तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं नहीं दे सकता 40%, मैं ले सकता हूं 2000 करोड़ रुपए घपले का, जो शराब का राजस्व आता, शराबबंदी करेंगे वो, उसको तो धोखा किया आपने, लेकिन शराब बेची वो 2000 करोड़, जिससे मकान बनते, अस्पताल बनते, स्कूलें बनती, आज अस्पताल जर्जर, स्कूल खत्म, कुछ नहीं है, केवल आत्मानंद स्कूल आपने 5 बनाया, उसके पीछे 500 सरकारी स्कूलों में ताले लगवा दिए, उसको शर्म नहीं आती कांग्रेस सरकार को, चाहे चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, नगरी सड़कों की बात हो,
या रेडी टू ईट जैसे जो बच्चों का निवाला दिया जाता छोटे बच्चों के लिए, उसमें भी खपला गया। बीज निगम के माध्यम से 3,500 करोड़ का ठेका दिया गया और एक्सपायरी डेट की दलिया और चावल और रेडी टू ईट मिल रहा है बच्चों को। तो सरकार ने कहीं, चाहे सीमेंट घोटाले की बात हो, तो देखिए सुमित जी, ये सरकार है, इसका एक बिल्कुल गौमूत्र नहीं सूत्र है, इनका सूत्र है घपला घोटाला। राजीव जी लौटूंगा, राजीव जी लौटूंगा। मेरा एक सवाल आपसे यह है कि आपसे ये है कि सीटों का अंतर बहुत ज्यादा है, आपने कई सारी सीटें जीते हैं, बीजेपी काफी कम, तो क्या इससे क्या कांग्रेस थोड़ी रिलैक्स है कि हम बहुत सारी सीटें जीत चुके हैं, अंतर काफी ज्यादा है, तो थोड़ी रिलैक्स कांग्रेस अपने आप को महसूस कर रही है क्या? देखिए, अगर आप एक बार परीक्षा में अगर आप उत्तीर्ण हो जाते हैं, आपको अच्छा परसेंट मिलता है, मतलब ये नहीं कि आप नेक्स्ट क्लास में आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये चुनाव है और चुनाव में चुनौती रहती है, तो हमको चुनौती के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि जनता है और जनता की जो हमने काम किए हैं वो तो खैर जनता उस चीज को स्वीकार कर रही है कि भूपेश है तो भरोसा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इतना ऐतिहासिक काम किया, इतने ऐतिहासिक निर्णय लिए कि जो पिछले 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह ने कभी नहीं लिए, और वो काम के लिए कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो इतना विकास किया कि विकास खत्म हो गया है ना, वो काम करके दिखाया है। तो हम यहाँ पर रिलैक्स तो नहीं है, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि इस समय हम अगर 75+ करके बोल रहे हैं तो 75+ में हमको सीट मिलेगी, और इस समय बीजेपी अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। देखना, अरे अस्तित्व तो वंदना जी कौन किसका बचाएगा, समय बताएगा। अस्तित्व की बात छोड़ दीजिए, आप 50 से 55 पर आ गए लोकसभा में। जी जी, आप बताइए, 24 राज्यों में आपकी सरकार थी, आज 5 राज्यों में, वहां से भी जाने वाली है, राजस्थान से आप जा रहे हैं, आपकी छुट्टी तय है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, अस्तित्व की बात मत करिए। हाँ, आप लोग अपहरण करते हैं, 74 में आपने अपहरण किया लोकसभा का, और आपने राजीव जी लौटूंगा। वंदना जी 75+ की बात हो तो 75+ पर टीएस बाबा ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन हालांकि जीत का दावा करते हैं, लेकिन 75+ को बहुत मुश्किल मानते हैं वो। देखिए, मुश्किल तो है, लेकिन हमें पूरा यकीन है। हमको क्यों यकीन है सुमित जी, इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 36 वादा किया था, 36 वादा में हमने 96% वादा पूरा किया है। सीधा अभी जो हम जन कल्याणकारी योजना बनाए हैं, उस योजना का सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है सुमित जी, सीधा पैसा निकल करके जनता के जेब में जा रहा है, बीच में कोई भ्रष्टाचारी नहीं, कोई कमीशन खोरी नहीं, जो पिछले रमन सरकार जी करते थे, राजीव जी सुमित जी, देखिए अभी वंदना जी कह रहे थे तो, लेकिन वंदना जी को शायद पता नहीं है कि जो डायरेक्ट बेनिफिशियल जो अकाउंट्स है, ये मोदी जी ने शुरू किया था जनधन योजना के माध्यम से, तमाम माध्यम से। जनता तो ये जानती है कि 9 साल में मोदी जी की जो स्कीम है, चाहे अमृत जल मिशन का 3 बार टेंडर कैंसिल हुआ महाभ्रष्टाचार में, सड़कें नहीं बन पाई महाभ्रष्टाचार में, दवाएं नहीं मिल पाई महाभ्रष्टाचार में, और तो और रेडी टू ईट का घपला हो गया, रेती बिक रही है 15,000 रुपए में, 15,000 लौटूंगा मैं। तो देखिए सुमित जी, कुल मिला के ये सरकार भय भूख और भ्रष्टाचार के सूत्र पर चल रही है। बहुत घपला कर लो, 5 साल मिला है, आगे मिलेगा नहीं, क्यों? जैसे केंद्र में बैठ गए हैं 50 से 55 पर, इनको मालूम है हम आ गए थे 68 पे, अब दोबारा आएंगे नहीं, तो ये शेख चिल्ली के हसीन सपने देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर देंगे, धराशाई कर देंगे, आपातकाल लग जाएगा, तो ये सपने सपने होते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल राजीव जी आपसे ये है कि आपने लोकसभा चुनाव की बात कही, वहां पर मोदी जी का चेहरा था, क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी जी के भरोसे बीजेपी? आखिरी 30 सेकंड। नहीं, सामूहिक रूप से लड़ा जाएगा सुमित जी, हर चुनाव में अलग अलग दिशा होती है, हर चुनाव में देश काल वातावरण परिस्थिति अलग होती है, अभी परिस्थिति है हम सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे, जिस प्रकार से 2003 में हम सामूहिक रूप से चुनाव लड़े थे और लगातार 3 बार हैट्रिक हमने सरकार बनाया, ठीक उसी प्रकार 2023 के चुनाव में हम सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी ने तैयार कर लिया है, लेकिन जो गैप है सीटों का वो कैसे भरेगी, देखना दिलचस्प होगा। कांटे की टक्कर यहां पर कह रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में, समय की बेहद कमी है। राजीव जी बहुत धन्यवाद, वंदना जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।